नमस्कार दोस्तों, कोविड-19 के साथ जंग दुनिया भर में जारी है। दिन प्रतिदिन नए नए मामले आते जा रहे हैं। ऐसे में आज हम लोग बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जहां कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी जनवरी के महीने में ही शुरू हो गई थी। इस राज्य ने अपना पहला कंट्रोल रूम 23 जनवरी को बनाया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 23 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस राज्य ने अपना पहला कंट्रोल रूम बनाया और ठीक एक सप्ताह बाद देश का पहला केस यहाँ डिटेक्ट हुआ कोविड-19 पॉजिटिव का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केरल की। मिड अप्रैल में देश के तमाम न्यूज़पेपर में और इसके साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट, BBC इत्यादि में केरला की सक्सेस स्टोरी छपी कि केरला ने आखिरकार कोरोना वायरस के कर्व को किस तरह से फ्लैट करने में कामयाबी हासिल की है। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार केरला ने ऐसा क्या किया, बाकी राज्य क्या कुछ केरला से सीख सकते हैं और अंत में मैं अपनी राय आपको बताऊंगा। कहते हैं एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हालांकि यह बात इस पर निर्भर करती है कि एक्सपीरियंस गेन करने वाला आदमी किस तरह से चीज़ों को देखता, समझता और परखता है, अपने आँख कान को खुला रखता है या नहीं। केरला ने 2018 में निपाह वायरस जैसे खतरनाक बीमारी को कंट्रोल किया था। निपाह वायरस का मॉर्टेलिटी रेट लगभग 70% है, जो कि कोविड-19 से कहीं ज़्यादा है। केरला की सरकार यह जानती थी बहुत सारे छात्र अपनी पढ़ाई के लिए चीन के वुहान प्रांत गए हुए हैं। उनको यह भी मालूम था कि उनके यहाँ से लगभग 2.5 मिलियन लोग देश से बाहर अपनी रोजी रोटी के तलाश में जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं। वो लोग आज न कल घर वापस आएंगे। संभावित खतरे को केरला सरकार ने पहले ही भांप लिया था और इसकी तैयारी जनवरी के मध्य में ही शुरू कर दी थी। गौरतलब है कि केरला का हेल्थ केयर फैसिलिटी के मामले में दुनिया भर में नाम है और भारत में इसका स्थान पहला है। केरला की हेल्थ केयर फैसिलिटी का अंदाज़ा इन बातों से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका में प्रति 1000 व्यक्ति बेड की संख्या अस्पतालों में 2.2 है, इटली में 3.2 है, वहीं केरला में प्रति 1000 बेड की संख्या 2.9 है। यानी कि अस्पतालों में बेड की संख्या की अगर बात करें तो केरला की स्थिति USA से बेहतर है और इटली से थोड़ी कम है। प्रति 2000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर अवेलेबल है, वहीं संपूर्ण भारत का एवरेज 2000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर का है। केरला का लिटरेसी रेट 94% यानी 94% है, जो कि देश के किसी भी राज्य से ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा साक्षरता होने का परिणाम यह होता है कि सरकार जब भी कोई पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है तो इसका फ़ायदा, इसका मैसेज आम जन तक आसानी से पहुंच पाता है। इसके अलावा फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा का बोलबाला कम होता है। सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पाता है। केरला में सेक्स रेशियो भी बढ़िया है, शायद इसकी वजह लिटरेसी रेट है। वहाँ 1000 मेल पर फीमेल की संख्या मोर देन 1000 है। इन सब बातों के दम पर ही एकदम साधारण तरीके से बीमारी को कंट्रोल रखने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है। केरला में फेस मास्क पहनने का प्रचार 30 जनवरी से ही चालू हो गया। वहाँ पर 10 मार्च को ही स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, रिलीजियस गैदरिंग्स पर पाबंदी लगा दी गई और जिन स्कूल्स में दिन में खाने के लिए दिया जाता था वहाँ के बच्चों के घर तक खाने पहुँचाने का इंतजाम कर दिया गया। इसके अलावा केरला में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए कह दिया गया ताकि लोग घर में तेज स्पीड इंटरनेट का आनंद ले सके और घर में अधिक से अधिक समय बिता सकें। हेल्थ वर्कर्स को इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि कैसे कोविड-19 से पॉजिटिव व्यक्तियों के सिम्टम को आसानी से पहचाना जा सके और उन्हें
टेस्ट के लिए टेस्ट लैब में भेजा जाए, फटाफट टेस्ट किया जा सके, इसके लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आए लोगों के बारे में पता लगाया गया। वुहान या चाइना से सटे अन्य प्रांतों से आए हुए लोगों को 28 दिनों के क्वारंटाइन के लिए बोला गया। जी हाँ, 28 दिन के क्वारंटाइन के लिए। इस रूल को, 28 दिन के क्वारंटाइन के रूल को बाद में अन्य पॉसिबल सस्पेक्टेड केसेस के लिए भी लागू कर दिया गया। जो लोग होम क्वारंटाइन हुए उनके घर राशन और ज़रूरत की अन्य सामान को पहुंचाने का इंतजाम किया गया। इसके लिए 2.5 लाख वॉलेंटियर्स की एक टीम तैयार की गई, जिसमें कि 22 से 40 साल के लोग शामिल थे। इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई वहाँ के लोकल गवर्निंग अथॉरिटीज़ के साथ साथ। इन वॉलेंटियर्स में नर्सेज, ड्राइवर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी थे, जिनको कि 3000 स्ट्रॉन्ग हेल्थ वर्कर्स के साथ अटैच कर दिया गया, और बाकी जो बचे थे उनका काम राशन पानी इत्यादि पहुंचाने का हुआ। अपने यहाँ रहने वाले माइग्रेंट लेबर का भी बखूबी ध्यान रखा। 26 मार्च के बाद वहाँ पर लगभग 18,000 कैंप बनाए गए, जहाँ 3 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर के रहने का इंतज़ाम किया गया, उनके खाने पहनने का पीने का इंतज़ाम किया गया, उनके लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी का इंतज़ाम किया गया। बिल्कुल साधारण तरीके से इस डिजीज़ को कंट्रोल रखने में बहुत हद तक कामयाबी पाई है, और इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कॉन्साइंस की ज़रूरत है। इसके लिए कोई विशेष रीजन तलाशने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है। अगर आप आने वाली विपदा को पहले देख पाते हैं, अगर आपके नेता दूरदर्शी होते हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी तरह की समस्या को पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है, और केरला इसका एक एग्जाम्पल है। केरला को देखकर भारत के अन्य स्टेट, अन्य राज्य या और यहाँ की भारत सरकार भी कुछ सीख तो सकती ही है, और ऐसे भी सीखने में बुराई क्या है अगर किसी में कुछ अच्छा हो तो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सप्ताह हमारे दो कलाकार फिल्म इंडस्ट्री के, ऋषि कपूर और इरफान खान, इस दुनिया में नहीं रहे। उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। और इरफान खान का एक वीडियो है जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसे आप ज़रूर एक बार देखिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपकी खुद की जिम्मेदारी अपने लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब बेसिक चीज़ें दूसरे लोगों पर छोड़ देते हैं कि वो आपको बताएं कि क्या सही क्या गलत है, तो आप इसलिए पैदा नहीं हुए, आप पैदा इसलिए हुए हैं कि आप खुद तलाशें, खुद ढूंढें, खुद समझें अपने एक्सपीरियंस से। आपको आप तभी ज़िंदा होते हैं। जब आप किसी की सिर्फ सुनी हुई बात पे उसको आदतन अपने ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, तो उससे आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं होता है। आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको खुद को जानना पड़ेगा चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके। तो आप, और आइकन हो चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसको अंधेपन से नहीं मानना चाहिए। अगर आपको कुछ ही चीज़ों में इंस्पायर कर रहा है कोई आदमी, तो ज़रूर मानना चाहिए, लेकिन वो इंस्पायर करने के बाद आपको खुद को उठना पड़ेगा, आप उस पर नहीं छोड़ सकते। जैसे कई बार क्या होता है कि आप वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद आपको लगता है अब ये हमारी ज़िंदगी सुधार देंगे, तो आपकी ज़िम्मेदारी कॉन्स्टेंटली बनी रहती है कि आप एंगेज रहें। आपने किसी को ये तो समझा कि हाँ ये जो है हम वोट देंगे तो ये आ जाएंगे पावर में, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको लगातार एंगेज रहना पड़ेगा, आपको सही सवाल पूछने पड़ेंगे। सही सवाल आप तभी पूछेंगे जब आपको सही नॉलेज है। तो ये एक जो प्रवृत्ति होती है कि चलो यार हमने अपना काम कर दिया, अब आप कर दो, अब हम किसी राजा को ढूंढ लें जो हमारी ज़िंदगी ठीक कर दें, या ना कोई किसी लीडर को ढूंढ लें जो हमें हमारा जो है टेकन केयर कर ले, या किसी पीर को ढूंढ लूँ जो मुझे जो है ऊपर वाले तक पहुँचा दे। वो जो डायरेक्ट आपका नॉलेज है, आपको खुद को ही उठना पड़ेगा, आपको खुद को ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाता है। अदरवाइज दूसरी की दी हुई चीज़ से नहीं होता है। आप जिंदा तभी होते हैं जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद जानते हैं, और एंड दैट इज़ व्हाट इवोल्यूशन इज़।